कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमेरिकी दौरे से लौट आए। माना जा रहा है कि सचिन पायलट और राहुल गांधी की मुलाकात हो सकती है। इस वक्त सचिन पायलट दिल्ली में ही मौजूद हैं। राजस्थान में चुनाव को लेकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच दूरी कम करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर दोनों नेताओं के बीच बैठक हो सकती है। साथ ही सचिन पायलट की जिम्मेदारी को लेकर भी कोई बड़ा फैसला हो सकता है। इससे पहले भी दोनों नेताओं के बीच बैठक हो चुकी है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने साथ में रहकर चुनाव लड़ने की बात कही थी, लेकिन सचिन पायलट ने अपनी मांगों को फिर हवा दी। तो वहीं दूसरी तरफ गहलोत बीजेपी पर हमला बोलने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। सीएम अशोक गहलोत ने जालौर सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि राजस्थान में बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे को हम पनपने नहीं देंगे। राजस्थान में सर्वधर्म का सम्मान है। उन्होंने कहा कि गौमाता को लेकर बीजेपी राजनीति करती है, जबकि गायों की सेवा में हमेशा कांग्रेस आगे रही। उन्होंने कहा कि राजस्थान शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गया। देश में एकमात्र राजस्थान राज्य है जहां शांति और अहिंसा का विभाग बन गया। गहलोत ने आगे कहा कि आज देश संकट के अंदर है, संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं, लोकतंत्र खतरे में है। एक तरफ अशोक गहलोत आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सचिन पायलट अशोक गहलोत को लगातार निशाने पर ले रहे हैं। गहलोत एक बार फिर राजस्थान का सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन सचिन पायलट की इस बगावत से ये होना नामुमकिन सा नजर आ रहा है, क्योंकि सचिन पायलट को राजस्थान की जनता काफी पसंद करती है। अब देखना होगा क्या गहलोत पायलट को समझाकर चुनाव लड़ेंगे या फिर अकेले मैदान में उतरकर जीत हासिल करेंगे।